सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया के सारे मार्ग बंद क्यों ना हो जाए, लेकिन जो मार्ग परमेश्वर आपके लिए खोलता है उस मार्ग को कोई बंद नहीं कर सकता। कौन हिसाब रखेगा, किसको कितना दिया, कौन कितना बचाएगा, इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया, खाली हाथ ही बुलाया। कर्मों पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। मुश्किल चाहे जैसी हो, निकलेगा जरूर कोई रास्ता। आज का पंचांग 14 मार्च 2020, दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, सुबह 6:17 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र दोपहर 12:20 तक विराजमान रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:12 से 10:41 तक रहेगा। आज का बीजित मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:46 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 6:41 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर दोपहर 12:00 तक रहेंगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेंगी। सिंह राशि 14 मार्च 2020, दिन शनिवार, आलस के कारण अपने दिन को बिगड़ने ना दें। अपनी प्राकृतिक रचनात्मक ऊर्जा को बाहर निकालें और फिर आपका दिन आराम से अच्छा जाएगा। आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी निजी जीवन में भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। विकर्षित करने वाली चीजों पर ध्यान न दें और वही कार्य पूरी एकाग्रता से करें जो आपके लिए लाभकारी हो। मंगल गोचर कर रहा है जो करियर तथा व्यवसाय की दृष्टि से काफी अच्छा है। उन्नतिदायक होने के साथ साथ मान सम्मान भी आपको प्राप्त हो सकता है। आत्मविश्वास से किए गए कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। धन अचल संपत्ति प्राप्ति का योग अच्छा है तथा आपके सगे संबंधियों से संबंध भी बेहतर हो सकता है। आज के दिन आपके लिए कुछ नई परिस्थितियों का सामना करने का हो सकता है। आपको अपनी स्वभाव और गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ विपरीत स्थितियां आपको बेचैन कर सकती है। अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुने। आज अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखें। यदि कोई परेशानी चल रही है तो वे जल्द ही हल हो जाएगी। असमंजस्य की स्थिति हो सकती है। बिना अच्छे से सोच विचार के कोई निर्णय ना लें। किसी एक्सपर्ट या काउंसलर से सलाह करें। सावधानियां, आज का दिन मिला जुला रहेगा। कई बातों को लेकर चिंतित हो सकते हैं जिससे शारीरिक तथा मानसिक रूप से अस्वस्थता का अनुभव करेंगे। परिवार के सदस्य के साथ अनबन हो सकती है। वाणी पर संयम रखने से परिवार में सुख शांति बना पाएंगी। लव लाइफ की बात करें तो आज आप अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएंगे। दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं बनाते तब भी आप अपनी पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। आपको संतुष्टि और काफी आनंद महसूस होगा। करियर की बात करें तो कार्यालय का प्रेम आपको एक चुंबक की तरह आकर्षित कर रहा है, लेकिन कार्यालय काम करने के लिए और अपनी भावनाओं को दिखाने के लिए नहीं है। यह आपको याद रखने की जरूरत है। आपके सहकर्मी इस बात की सराहना नहीं करेंगे। यह एक मोह हो सकता है। अपने काम पर ध्यान लगाएं और अगर यह होना है तो यह निश्चित रूप से होगा, अन्यथा यह बुलबुले की तरह फूट जाएगा। सेहत की बात करें तो आज अपने आप को दुर्घटनाओं और चोटों से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें, क्योंकि आज लगी हुई
छोटी सी चोट भी गंभीर सिद्ध हो सकती है। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी शारीरिक तकलीफ के प्रति लापरवाही से काम न लें। यह अस्थायी समय है, लेकिन तब भी आप यह अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। आज का उपाय, आज आप गरीबों को काले कपड़े दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।